समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव भी 2024 की तैयारियों में जुटे हैं, लगातार जिले की बैठकें कर रहे हैं और खासतौर से वो बीजेपी के जो सांसद हैं उनका भी एक रिपोर्ट कार्ड तैयार कर रहे हैं। अपने कार्यकर्ताओं को कहा है कि किसने वादे नहीं पूरे किए, इसे एक रिपोर्ट कार्ड तैयार किया जाए। हमारे साथ हरिओम यादव, पूर्व विधायक हैं, मुलायम सिंह यादव के समधी हैं, आज पार्टी कार्यालय पहुँचे थे, उनसे जानेंगे। हरिओम जी, आप तो लंबे समय तक आपका एसोसिएशन रहा, संबंध रहा, अब जिस तरह के समाजवादी पार्टी तैयारी कर रही है 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर, उन्होंने अभी सब जिले की बैठकें कर रहे हैं, फिर नैमिषारण्य में जाकर 2 दिन का प्रशिक्षण शिविर पार्टी का होना है, आपको लग रहा है कि ये तैयारियां बीजेपी के लिए कहीं चुनौती तो नहीं होंगी 24 में? देखिए, समाजवादी पार्टी कुछ भी कर ले, समाजवादी पार्टी की साख दिनों दिन गिरती जा रही है। अब ये पार्टी समाजवादी पार्टी अब नेताजी वाली समाजवादी पार्टी नहीं है, अब ये चापलूस और दलालों की और बेईमान लोगों की पार्टी रह गई है। इसमें भले सम्मानित लोगों का कोई सम्मान नहीं है और इसी से ये समाजवादी पार्टी गर्त में जा रही है कि नेताजी के साथ के जो लोग हैं सारे लोग समाजवादी पार्टी को छोड़ छोड़ के जा रहे हैं, उनका कोई समाजवादी पार्टी में सम्मान नहीं है। जहाँ तक लोकसभा का चुनाव है, भारतीय जनता पार्टी तो 12 पूनों चुनाव लड़ती है, 12 पूनों तैयारी है, हर रोज एक तैयारी करती है भारतीय जनता पार्टी। ये तो सो के तैयारी करते हैं, ऐसे जैसे बरसात के मेढक जब बरसात आते टिर टिर करने लगते हैं, इसी तरह समाजवादी पार्टी अब चुनाव आ गया तो दिखने लगी। चुनाव से पहले जब चुनाव नहीं होता तो घर में बैठ के और एसियों में सोते हैं, आराम करते हैं ये लोग। अब जहाँ तक रिपोर्ट कार्ड का, तो समाजवादी पार्टी के लोगों को अपने लोगों का रिपोर्ट कार्ड देखना चाहिए कि उनके लोग क्या कर रहे हैं, क्या पार्टी की मदद कर रहे हैं या जनता की मदद कर रहे हैं। ऐसा भारतीय जनता पार्टी के लोग तो जनता के बीच रहते हैं, जनता की मदद करते हैं और माननीय योगी जी और मोदी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी 80 में से 80 सीटें जीतेगी, इसमें कोई शंका संशय नहीं है। और तो शिवपाल यादव भी साथ हैं अखिलेश यादव के, और जब निगम के चुनाव हुए इटावा में तो बीजेपी तो जीत नहीं पाई, वहाँ जो मेहनत की। देखिए, जो गढ़ है फरियाबाद, जहाँ समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव हैं, जो पार्टी जिनके कब्जे में हाथ में, अखिलेश जी तो राष्ट्र नाम के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, असली समाजवादी पार्टी को तो प्रोफेसर रामगोपाल यादव चला रहे हैं ना, वहाँ उनका खाता भी नहीं खुला, पूरा साफ कर दिया समाजवादी पार्टी को, वहाँ एक मेंबर तक नहीं वहाँ जीत पाए। चेयरमैन और नगर पंचायतें और नगर पालिका महापौर सारे भारतीय जनता पार्टी के लोग जीते हैं वहाँ, तो उसका रिपोर्ट कार्ड तैयार कराना चाहिए। हाँ, वही तो कहना है, समाजवादी पार्टी को, समाजवादी पार्टी का जो सुपड़ा साफ हो गया उसका रिपोर्ट कार्ड तैयार कराना चाहिए, बीजेपी की बात छोड़ दे वो। लेकिन शिवपाल यादव के आने से क्या नुकसान नहीं होगा, क्योंकि कहते हैं वो रणनीतिकार है, रणनीति बनाएंगे तो असर दिखेगा। देखिए, शिवपाल सिंह जी बड़े नेता हैं, संगठन के अच्छे जानकार हैं, लेकिन शिवपाल सिंह जी को वहाँ कोई पूछ नहीं रहा, उनकी रणनीति वहाँ काम नहीं कर रही, न उनसे कोई सलाह ली जाती, न उनकी रणनीति मानी जाती, वहाँ रणनीति चलती है प्रोफेसर रामगोपाल यादव की। तो रामगोपाल यादव न तो जमीन का नेता है न जनता का नेता है, अगर सैपई से चुनावी लड़ा दिया जाएगा तो चुनाव हार जाएंगे वहाँ से। लेकिन आप तो परिवार के भी सदस्य हैं, कभी बात होती है परिवार में कि शिवपाल यादव की आप कह रहे सुनी नहीं जा रही, लेकिन माहौल तो ऐसा है कि वो राष्ट्रीय महासचिव पार्टी के, तमाम सारे फैसले उनसे पूछ के लिए जा रहे हैं। देखिए, इससे ज़्यादा अपमान शिवपाल सिंह जी का और क्या हो सकता है, जो 16 महासचिव हैं उन लाइन में उनको खड़ा कर दिया। किसी समय नेताजी के ज़माने में नेताजी के बाद नंबर 2 के नेता हुआ करते थे, आज 16वें नंबर पर खड़े हैं, तो क्या सम्मान है। तो आप कुछ कहेंगे नहीं उनसे? शिवपाल सिंह जी, हम तो चाहते थे कि भारतीय जनता पार्टी में आ जाएं, और थे हमारे साथ पहले, लेकिन पता नहीं क्यों चले गए, घर का मोल ले गया क्या। अगर भारतीय जनता पार्टी में होते वो तो भारतीय जनता पार्टी में उनका सम्मान रहता और कहीं ना कहीं से उनको सांसद बना दिया जाता भारतीय जनता पार्टी में। आपने बात की थी इसको लेके पहले? अभी नहीं की, पहले हम लोग करते थे बात, जब वो समाजवादी पार्टी। चैप्टर क्लोज है? हाँ, चैप्टर क्लोज है, लेकिन मौका लगेगा तो बात करेंगे। देखिए, बिल्कुल बड़ी बात कह रहे हैं कि चैप्टर फिलहाल तो क्लोज है, लेकिन अगर मौका लगेगा तो फिर बात करेंगे। और जिस तरीके से खुद अखिलेश यादव बैठके कर रहे हैं, रिपोर्ट कार्ड तैयार कर रहे हैं, उस पर ज़रूर, ख़ासतौर से पूर्व विधायक जो हैं उनका कहना है कि कहीं ना कहीं अखिलेश यादव को, समाजवादी पार्टी को अपने लोगों का रिपोर्ट कार्ड तैयार करना चाहिए। कैमरा सुजीतन के साथ अनुभव शुक्ला, IP गंगा, लखनऊ। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।